नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि एबेकस के फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को हम अपने फिंगर्स की हेल्प से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम अपने जो हैंड्स की फिंगर हैं उनको हम एबेकस की तरह किस प्रकार से यूज़ करते हैं। 0 to 9 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड का। जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमारी रिप्रेजेंट करेंगी लोअर बीट्स को, और हमारी एवरी फिंगर्स की वैल्यू क्या होगी, 1। इंडेक्स फिंगर है, इसकी वैल्यू 1 होगी। मिडिल फिंगर, इसकी वैल्यू 1 होगी। और हमारी जो रिंग फिंगर है, इसकी वैल्यू 1 होगी। और हमारी पिंकी फिंगर है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो हमारी लोअर बीट्स की, एबेकस के लोअर बीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरी फिंगर्स की वैल्यू होती है हमारी 1। और जो थंब होता है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एबेकस पर अपर बीट्स को, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। थंब की वैल्यू होगी हमारी 5। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं कि हम 0 to 9 किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं फिंगर्स की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने अगर ना अपने फिंगर्स और थंब को क्लोज किया, अपनी मुट्ठी बांधी। जो हमारी मुट्ठी है वो रिप्रेजेंट करती है 0 को। 1 के लिए हम 1 फिंगर को ओपन करेंगे, 2 के लिए 2 फिंगर, 3, 4। 5 के लिए हम फिंगर को क्लोज करेंगे और हमारा थंब ओपन रहेगा, 5, 6। थंब प्लस 1 फिंगर 6, 7, 8 एंड 9। तो इस प्रकार हम 0 to 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल की हेल्प से फिंगर एबेकस को और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। ओके, पहला एग्जांपल लेते हैं 2। तो 2 फिंगर्स को ओपन करेंगे, फिर है हमारा 1 प्लस 1, 1 मोर फिंगर को ओपन करेंगे, फिर है प्लस 5। 5 के लिए हम अपना थंब ओपन करेंगे, तो हमारे कितने फिंगर्स ओपन हो गए, 5, 6, 7, 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट एग्जांपल 6, 5 थंब एंड 1 फिंगर, 6 प्लस 3, 3 मोर फिंगर ओपन किए, माइनस 5। माइनस के लिए हम थंब को क्लोज करेंगे, तो हमारी कितनी फिंगर ओपन है, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जांपल 1, 1 फिंगर ओपन किया 6 के लिए, 5 एंड प्लस 1, 6 प्लस 2, 2 मोर फिंगर, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल 9 के लिए हमारे सारी फिंगर ओपन हो जाएंगे, -8। -8 के लिए 5, 6, 7, 8, -8 प्लस 3, 1, 2, 3, आंसर इज 4। नेक्स्ट इज 5 प्लस 1, 1 फिंगर इज ओपन, प्लस 3, 1, 2, 3, आंसर हो जाएगा हमारा 9। सेवन प्लस 2, 1, 2, 9 माइनस 9, माइनस 9 के लिए सारी फिंगर हमारी क्लोज हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा हमारा 0। अभी 8, 5, 6, 7, 8, 8 माइनस 6, 5, 6 प्लस 2, 1, 2, आंसर इज 4। नेक्स्ट एग्जांपल 1, 1, 6, 5, 6 माइनस 2, 1, 2, आंसर इज 5। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5, 4, 1, 2, 3, 4 प्लस 4 माइनस 7, 5, 6, 7, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2। लास्ट एग्जांपल देखते हैं 4 फिंगर प्लस 5 माइनस 3, 1, 2, 3, आंसर कितना हो गया हमारा, 6।
उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।